नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल माजिद साइंस पर। दोस्तों, या तो आप सभी को पता ही होगा कि HSC के द्वारा कुछ परीक्षाओं की आंसर की अपलोड कर दी गई है, जिसे आप HSC की ऑफिशियल साइट पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, HSC के द्वारा 3 अगस्त को पाइप फिटर की परीक्षा ली गई थी और HSC के द्वारा इसकी क्या आंसर की प्रोवाइड की गई है, इस सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, हरियाणा के कैथल जिले में स्थित डैश का मकबरा जो भारत की पहली महिला शासिका भी थी। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, यानी रजिया सुल्तान, जो कि आपकी हरियाणा के कैथल जिले में रजिया का सुल्तान का जो मकबरा है आपका, वह भारत की पहली महिला शासिका भी थी। नेक्स्ट आपका 1-1 छोटा विवरण है जो एक पृष्ठ के शीर्ष पर दिखाता है ताकि पाठक को पता हो कि वह क्या है। तो दोस्तों, यह है आपका हेडर कहलाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका हरियाणा में बसई आदर भूमि डैश जिले में स्थित है। तो दोस्तों, यह है आपकी गुरुग्राम जिले में, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। नेक्स्ट आपका पाइपलाइनों में उत्केंद्रीय निम्न कार्य मुख्यतः प्रयुक्त होती है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा, यानी हॉरिजेंटल पोजिशन, यानी स्थिर स्थिति में। नेक्स्ट आपका धातु की कौन सी विशेषता में यह शक्ति है कि प्रयुक्त बल को हटा लेने पर वह वापस अपनी मूल आकृति में आ जाती है। तो दोस्तों, वह आपका इलास्टिसिटी कहलाता है या फिर लोचनीयता, जो कि धातु की एक विशेष शक्ति होती है जो कि बल हटाने पर दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप में आना, तो वह आपकी इलास्टिसिटी कहलाती है। नेक्स्ट आपका पंजाब की सीमाओं का पुनर्गठन और पंजाब से अम्बाला डिवीजन का पृथकीकरण डैश में सुझाया गया था। तो दोस्तों, यह है आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, यानी 1931 में, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डैश नदी का उद्गम शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं है। तो शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी दोहन नदी का, जो कि आपकी शिवालिक पहाड़ियों से नहीं है, अन्यथा गग्गर टांगरी मारकंडा ये आपकी शिवालिक से है। नेक्स्ट आपका, किस ब्रिटिश वायसराय ने प्रशासन में स्थानीय सरकारी निकायों के निर्माण के लिए पहल की थी। तो दोस्तों, यह पहल आपकी लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावलियों की पहाड़ियों से निकलती है। तो अरावलियों की पहाड़ियों से आपकी कसाईबी नदी निकलती है, यानी ऑप्शन नंबर डी रहेगा। नेक्स्ट आपका, वह शब्द जो अचानक और शक्तिशाली भावनाओं को अभिव्यक्त करता है डैश कहलाता है। तो दोस्तों, वह आपका विषमयादी बोधक कहलाता है। नेक्स्ट आपका, विच मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग इज डन इन ए हीटेड साल्ट बाथ, यानी वह एक गर्म लवण जो स्नान में पृष्ठ कठोरीकरण की कौन सी विधि की जाती है। तो दोस्तों, वह आपकी लिक्विड कार्बोराइजिंग, यानी ऑप्शन नंबर डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 2000 में अश्विनी चौधरी ने हरियाणवी फिल्म डैश के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में एक निदेशक की सर्वोत्तम पहली फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता था। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी रहेगा, यानी लाडो फिल्म ने। नेक्स्ट आपका, कॉपी कमांड के लिए लघु कुंजी क्या होती है। तो कॉपी कमांड के लिए आपकी कंट्रोल प्लस सी होती है। नेक्स्ट आपका, चीनी की किस नदी को पीली नदी कहा जाता है। तो किस नदी को कहा जाता है, आपकी हुआंग हे नदी को, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा। नेक्स्ट आपका, श्याम सतसई और सत्यग्राही डैश द्वारा लिखित है। तो दोस्तों, यह आपकी तुलसीराम शर्मा के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी रहेगा। नेक्स्ट आपका, पानी के नल में एक्स चिन्हित भाग का नाम आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा, यानी वॉल सीट, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्थिति से बचाने के लिए परिसज्जित नालिकार या फिर ट्यूबलर जो पृष्ठ पर कौन से प्रकार का पानी का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, यह किया जाता है आपका स्ट्रप पाना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपसे ये भी, निम्नलिखित में से एक्स में, यानी जो आपको एक्स की जगह चित्र दिया गया है, इससे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें आपको बताना है कि एक्स जहाँ आपको चिन्हित भाग है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा, यानी एनविल या फिर संदान, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका, कौन से प्रकार का फिल्टर पंप द्रव संदूषकों से बचाने में सहायक करती है। तो दोस्तों, यह है आपकी चूषण फिल्टर, यानी सेक्शन फिल्टर, जो कि आपकी फिल्टर पंप द्रव संदूषकों से बचाने के लिए सहायक, यानी मदद करती है।
नेक्स्ट आपका इंक जेट प्रिंटर से डैश प्रिंटर अधिक महंगे होते हैं, उनकी प्रिंट गुणवत्ता उच्चतर होती है और अधिकांश रहती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी लेजर प्रिंटर, यानी डैश प्रिंटर आर मोर एक्सपेंसिव देन इंक जेट प्रिंटर, देयर प्रिंटर क्वालिटी इज हायर एंड मोस्ट आर फास्टर। तो ऑप्शन नंबर इसका बी रहेगा, यानी लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट आपका डैश हरियाणा के गुरुग्राम जिले में एक लोक साहित्य संग्रहालय है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा, यानी उरुसवती संग्रहालय, जो कि आपका हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित एक लोक साहित्य संग्रहालय है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा अशोक साम्राज्य के 5 महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्रों में शामिल नहीं था? तो दोस्तों यह आपका कोसला, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका देशा में देश हरियाणा डैश के लेखक कौन है? तो देशा में देश हरियाणा डैश के लेखक आपके उदय भानु हंस, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा। नेक्स्ट आपका कौन सा डलवा लोहा वेल्ड नहीं किया जा सकता है? तो वेल्ड नहीं किया जा सकता आपका श्वेत डलवा लोहा, यानी वाइट कास्ट आयरन, जो ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट आपका आंकड़े जो एक पूर्व निर्धारित अभिलेख प्रारूप में संगठित नहीं है डैश कहलाते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए रहेगा, यानी अनसैचुरेटेड डाटा, यानी असंचरित आंकड़े, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत सतलो के पुरातात्विक साक्ष्य पर प्रथम प्रकाश डालने वाले कौन थे? तो दोस्तों वे थे आपके बीबी लाल, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका पृथ्वी की ठोस परत या कठोर ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको कहा जाता है आपका लिथोस्फीयर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका प्रसिद्ध भीमबेटका गुफा चित्र किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह है आपके मध्य प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका पोटेशियम का परमाणविक द्रव्यमान क्या था? तो पोटेशियम का परमाणिक द्रव्यमान आपका 39, जो कि आपका पोटेशियम का परमाणविक द्रव्यमान है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित है? तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि यह आपका अबूब सैर वन्य जीव अभयारण्य, जो कि आपका हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य भी है। नेक्स्ट आपका मैथ से संबंधित क्वेश्चन था जिसका आंसर आपका बी रहेगा, यानी 2:3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका आंतरिक धागे वाले एक पाइपलाइन को बंद करने के लिए कौन सा मानक पाइप फिटिंग प्रयोग की जाती है? तो दोस्तों यह की जाती है आपकी प्लग, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका छेदित छिद्रों की परिसज्जा प्रक्रिया का नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका रीमिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका बी आई एस का क्या मतलब होता है? तो बी आई एस का मतलब होता है आपका ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें आपसे पूछा गया यदि बीते हुए कल से पहले का दिन शनिवार था तो आने वाले कल के बाद का दिन कौन सा होगा? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा, यानी बुधवार इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लॉजिकल फॉर्मेटिंग के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम सेक्टरों को एक साथ भंडार इकाइयों में रखता है तो जिन्हें डैश कहते हैं? तो दोस्तों इसको कहा जाता है आपका क्लस्टर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका एक कार्य में निभाए जाने वाले कर्तव्य और उत्तरदायित्वों का लिखित विवरण डैश कहलाता है? तो दोस्तों यह कहलाता है आपका कार्य विवरण, यानी जॉब डिस्क्रिप्शन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका हरियाणा में HVPNL का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों इसका पूर्ण रूप होता है आपका हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका 2019 में लोकसभा में निर्वाचित महिला सदस्यों का कितना प्रतिशत था? तो दोस्तों यह था आपका 14.36%, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका उस धातु का नाम बताइए जिसमें लोहा नहीं होता है? तो लोहा नहीं होता है तो आपका नॉन फेरस धातु है, जो कि आपका इसमें, यानी उस धातु में आपका लोहा नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था निम्नलिखित पाइप जोड़ में एक्स से चिन्हित भाग का आपको नाम बताना था? तो आपको जहाँ पे एक्स का चिन्हित नाम था आपका क्या रहेगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी रहेगा, यानी हैम्प पैकिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा।
नेक्स्ट आपका डैश व्यास तक की पाइपों को धारण करने के लिए पाइप व्यास का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यह किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 63 mm का, जो कि आपके पाइपों की धारण करने के लिए पाइप वाइस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका एक रिज्यूम डैश होना चाहिए, तो एक रिज्यूम आपका शॉर्ट एंड प्रेसिस यानी छोटा और स्पष्ट होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका रानिया विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र हरियाणा के डैश जिले से है, तो यह है आपका सिरसा जिले से, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था जिसका आंसर आपका डी रहेगा, यानी 5 किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बल की गणना करने के लिए कौन से फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है, तो इसका किस फॉर्मूले का, यानी आपका प्रेशर इनटू एरिया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर के पोर्ट में लगाए जाने वाला और फिर वीडियो निर्गित करने को एक बाह्य पृष्ठ पर प्रक्षेपित करता है, तो डैश होता है, तो यह होता है आपका यानी आंकड़ा प्रक्षेपक यानी डाटा प्रोजेक्टर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका हरियाणा में कौन सी झील असोला भाटी वन्य जीव अभ्यारण्य के निकट है, तो यह है आपकी बड़खल झील, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट से क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है, तो दोस्तों भारत का मानक निकाय है आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका डलवा लोहा प्राप्त करने वाली भट्टी का नाम क्या है, तो डलवा प्राप्त करने वाली भट्टी का नाम होता आपका क्यू पोला, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा के डैश भाग में स्थित है, तो दोस्तों यह इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट आपका पाइप कार्यों में कुहनी और मोड़ों पर दिए गया विचलन कोण क्या होता है, तो दोस्तों यह कोण होता आपका 90 डिग्री और 45 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा आपका 58 का, ऑप्शन नंबर डी, यानी 3125 जूल, जो कि आपका बेलन के घुमाव से संबंधित गतिज ऊर्जा रहेगी। नेक्स्ट आपका भ्रष्टाचार बोध सूचकांक किसके द्वारा बनाया जाता है, तो दोस्तों यह बनाया जाता है आपका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट को आप क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था इसमें आपको संख्याओं के उस युग्म को चुनना था जो वही संबंध जो युग्म में दिया गया, तो वही संबंध आपका दूसरा इसमें बताना था, तो उसका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी 11 का स्केयर आपका 121 होता है, यानी 121, तो 9 का स्केयर आपका 81 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका हरियाणा में हथनी कुंड बैराज डैश नदी पर स्थित है, तो दोस्तों यह आपका यमुना नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका जिसमें क्षारीय प्रतिकृत धातु आयनों की जल योजन तापीय धारिता का घटनाक्रम आपको बताना था, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा। नेक्स्ट आपका एक वस्तु का अंकित मूल्य में 2/5 करने पर या बेचने पर 25% की हानि होती है, वस्तु का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का आपको अनुपात पूछा गया था, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा, यानी 15:8 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका हरियाणा सरकार ने डैश को 2010 में राज्य की दूसरी भाषा अधिसूचित की थी, तो दूसरी अधिसूचित भाषा थी आपकी पंजाबी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका किस प्रकार का पाइप जोड़ 90 डिग्री पर शाखा लेता है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी टी शाखा। नेक्स्ट आपका पाइप साचों द्वारा काटे जाने वाले बाह्य पाइप धागों की डैश श्रेणी क्या है, तो डैश श्रेणी आपकी बी रहेगी, यानी 1/4 से 4, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो यह लड़ी गई थी आपकी 1556 में, पहली 1526 में और तीसरी 1761 में। नेक्स्ट आपसे निम्नलिखित वाल का नाम क्या है, तो आपको डायग्राम दिया गया था जिसमें आपको वाल का नाम पूछा गया था, तो इसका आंसर आपका ए रहेगा, यानी 5/2 स्थिति वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं, तो इसमें आपसे मुर्गियों की संख्या पूछी गई थी, तो इसका आंसर आपका बी रहेगा, यानी 26 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपसे निम्नलिखित में से कौन सा कार्डिक देश है, तो आपसे कार्डिक देश पूछे गए थे, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका रहेगा फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। नेक्स्ट आपका ब्रिटिश द्वारा पंजाब सीमांकन अधिनियम डैश में पारित किया गया था, तो दोस्तों यह किया गया था आपका इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन था जिसमें आपको
कुछ अल्फाबेट दिए गए थे और उसका कुछ कोड दिया गया था। तो इसमें आपको कोड बताना था कि 1276 को क्या लिखा जा सकता है। तो 1276 का आपको 100 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट था आपका आधुनिक आवर्त सारणी में डैश 30 पंक्तियाँ है, तो कितनी पंक्तियाँ होती है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा, यानी जो कि आपकी रो की संख्या आपकी 7 और ग्रुप की संख्या आपकी 18 होती है। नेक्स्ट आपका जब गजनवी ने उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण किया तब हरियाणा में डैश का राजस्व शासन क्या कर रहा था, यानी किसका शासन कर रहा था, तो ऑप्शन नंबर आपका ए रह गया, यानी तोमर राजवंश शासन कर रहा था। नेक्स्ट आपका आयु से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें आपको बतानी थी कि पी और क्यू की आयु का अनुपात क्या होगा, तो पी और क्यू की आयु का अनुपात इनमें से कोई नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नजीबुद्दौला ने डैश नदी के निकट एक युद्ध में सूरजमल को मार दिया था, तो सूरजमल को मार दिया था आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, यानी हिंडन नदी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका हरियाणा में जींद जिले के नरवाना तहसील में गुरुद्वारा दमदान साहिब की याद में बनाया गया है, तो दोस्तों यह बनाया गया है आपकी गुरु तेग बहादुर की याद में, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका कौन सा रबड़ विद्युत तारों और नियंत्रित तारों में विद्युत रोधी के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो दोस्तों यह क्या जाता है आपका सिलिकॉन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका पृष्ठ कठोरीकरण की किस विधि से पृष्ठ छिलकों से मुक्त रहता है, तो दोस्तों यह रहता है आपका इंडक्शन हार्डनिंग, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका बी यानी 30 न्यूटन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो लोहे से जंग से बचाने के लिए आपका प्रयोग सभी का प्रयोग, यानी पेंट लगाना, ग्रीस लगाना, तेल लगाना, सारों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आपका समानांतर वाले पृष्ठ पर मशीनी है तो कौन से प्रकार का फिक्सर प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों यह किया जाता है आपका इंडेक्सिंग फिक्सर, जो कि आपका समान अंतर वाले पृष्ठ और मशीन हेतु प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इंग्लिश से संबंधित है जिसमें आपसे पूछे गए थे प्लीज डू नॉट गो अवे सी साइड, तो इसका राइट आंसर आपका डी रहेगा। नेक्स्ट का जो आंसर आपका सी यानी ही आस्क्ड हर इफ शी वाज कमिंग द पार्टी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका पैरंजंबल से क्वेश्चन पूछा गया जिसमें आपको सीक्वेंस में लगाना है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा, यानी RPSQ। और नेक्स्ट का आंसर आपका 86 का आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, यानी द लास्ट डे पार्टी बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका वाज डिस्टर्ब्ड बाय रेन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हिंदी से संबंधित पूछे गए थे जिसमें आपसे पूछा गया था सकाम का विलोम शब्द क्या होगा, तो सकाम का विलोम शब्द आपका निष्काम होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका समान अर्थ रखने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, तो समान अर्थ रखने वाले शब्दों को आपको पर्यायवाची कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका बहुवन शब्द का बहुवचन रूप क्या है, तो बहुवचन आपका इसका भवन ही रहेगा। नेक्स्ट आपका वर्णों से व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसको कहा जाता है आपका वर्णमाला, यानी ऑप्शन नंबर बी रहेगा। दोस्तों यह थी HSC के द्वारा पाइप फीटर की फाइनल आंसर की जो कि हमने इस वीडियो में डिस्कस करी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।